एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो आज है दीपावली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और हैप्पी दीपावली। एक ब्लॉग मैंने अपलोड कर दिया है पूजा पाठ का, मैंने कैसे तैयारी करी थी। और ये जो है मॉर्निंग का ब्लॉग था और वो ब्लॉग शाम का था, तो उसको मैंने पहले अपलोड कर दिया। ये वाला थोड़ा सा लेट जा रहा है, कोई बात नहीं, प्लीज़ आप लोग देख लेना और बहुत सारा प्यार देना, सपोर्ट करना। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है लेट, तो पहले काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। कहीं भी मत जाइएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा। और आप सभी को हैप्पी 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 वाली दीपावली। आप सभी की दीपावली अच्छी रहे और उम्मीद करती हूँ कि मेरी भी अच्छी जाए, और आगे का कुछ नहीं कह सकती मैं। तो चलो फिर फटाफट काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं आ गई हूँ किचन में और अभी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में मुझे दो सब्जियाँ बनानी है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैंने पतिदेव से कहा था कि एक ही सब्ज़ी बनवाओ, क्योंकि कोई खाता नहीं। एक तो त्यौहार है, ऊपर से मीठा जब कुछ रहता ना तो और भी खाना पीना नहीं खा जाता है, और अगर कुछ नहीं रहता तो हाँ चलो थोड़ा सा खा भी लो। इतना एक तो इतना मीठा हो जाएगा और ऊपर से ये खाना वाना समझ नहीं आता है फिर। लेकिन फिर भी यहाँ पर पालक पनीर मेरे बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, तो मैं पालक पनीर ही बनाऊँगी। मैं सादी पनीर बनाने वाली थी, लेकिन सादी पनीर उतना चाव से कोई नहीं खाता जितना पालक पनीर ये लोग खा लेते हैं। जितना चाव से लोग खाते हैं उतना सादा कोई खाता नहीं। तो मैंने कहा चलो पालक पनीर ही बना देते हैं और आलू मटर की सूखी सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि मुझे पसंद है आलू मटर की सूखी सब्ज़ी, तो उसको मैं खाऊँगी। और ये जो है पतिदेव और जो है क्यूटी मेरे, उनको पालक पनीर पसंद है। तो यहाँ पर मेरा क्यूटी फ़ोन लेकर इधर से उधर टहल रहा था, तो उसको मैंने हटा के रखा। तो कुछ इस तरीके से मेरा पूरा खाना बनेगा फ्रेंड्स। और आप सभी ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। और ट्राइपॉड ना होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्टैंड नहीं है तो फ़ोन वगैरह लगाना ना समझ नहीं आता कहाँ पे लगाऊँ कैसे बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे ट्राई करके मैं करती रहती हूँ और जल्दी लेने वाली हूँ, लेकिन कब लूँगी इसका मुझे अभी कोई आइडिया नहीं है। और आप लोग सपोर्ट करो फटाफट, मेरी पेमेंट आए यूट्यूब की तो मैं फटाफट से ट्राईपॉड सबसे पहले ख़रीदूँगी और उसके बाद फिर जो है देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने मसाला चढ़ा दिया है, क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हमको लग जाता है, तो इसलिए मसाला मैंने चढ़ा दिया पहले से ही। एडिटिंग में मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मेरा क्यूटी आप लोग को आवाज़ आ रही होगी कैसे एकदम, मतलब हमेशा वो रोता ही रहता है यार सच में। तो उसको खिलाती पिलाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पता नहीं क्यों लगता नहीं है। और पहली बार तो वो दो दिन खाता है तो चार दिन उसकी हालत ऐसे ही ख़राब हो जाती है। उसको पता नहीं क्या है यार, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, तो वो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मेरा काम जो है नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सारा काम अच्छे से मैनेज करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वीडियो आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ट्राइपॉड की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह बनाने में ना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो कोई बात नहीं यार, प्रॉब्लम आती जाती रहेगी और जब वक्त होगा तो मैं ले लूँगी ट्राइपॉड। आप लोग सोचेंगे पनीर कैसे कट कर रही है, लेकिन मैं क्या करूँ ना जल्दबाजी में हम हाउस वाइफ का यही हाल रहता है कि बस फटाफट से काम होना ज़रूरी है, बाकी देखा जाएगा कुछ भी। तो अभी सबसे पहले मैं फटाफट से खाना बनाऊँगी, उसके बाद पतिदेव भी जो है आज घर पर ही हैं तो वो भी खा लेंगे, बच्चों को भी खिला देंगे और मैं भी खा लूँगी। खाना बनाना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सारी तैयारी बाद में होती रहेगी। तो यहाँ पर देखो फटाफट मैंने मसाला भुना है, और ये जो है इसकी रेसिपी जो है मैंने बहुत बारी शेयर करी हो, तो इस बार बिल्कुल भी रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, बस आप लोग ऐसे ही देख लो, फिर कभी जब आप लोग कहेंगे तो ज़रूर शेयर कर दूँगी। और यहाँ पर जो है पालक पनीर मेरी बस मिनटों में बनके तैयार होगी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है मसाला भुनने में, बाकी बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता और सबको पसंद है। अभी तो पहले मुझे नहीं पसंद थी इतनी, लेकिन अभी कुछ टाइम से पसंद आने लग गई है, तो मैंने कहा चलो पालक पनीर ही बना लेते हैं। और वो ऐसी सादी मटर पनीर वाली ना वो भी अच्छी लगती है, लेकिन अभी वो इसके आगे वो कम अच्छी लग रही है। उसके बाद यहाँ पर मसाला पीसा मैंने आलू मटर के लिए, उसको भी मुझे तड़का लगाना है, तो एक तरफ फटाफट उसको कुकर में तड़का लगा देंगे तो उससे भी जल्दी हो जाएगा। कुकर में बनाने से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और कढ़ाई में बनाने से ना बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैनेज करते हैं अपना काम, और बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत 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 ज़्यादा, दिखाने में कम और कैसे करती हूँ मैं ना, मैं जानती हूँ इतनी मुश्किल में। फिर यहाँ पर मैंने तड़के में डाला थोड़ा सा जीरा और उसके बाद हींग डाला था। यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले का पेस्ट ऐड कर दिया है, इसमें मैंने जितने भी खड़े मसाले होते हैं सारे मसालों को मैंने पीस लिया है, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से कर दिया है मिक्स। देखो पालक पनीर बनकर रेडी हो चुकी है, अभी फटाफट ये वाली सब्ज़ी बनाते हैं, उसके बाद चावल पूरी, दो चीज़ बचेगा तो वो फिर पूरी तो दिन भर बनती रहेगी, जब इसको खाना होगा तब फटाफट कढ़ाई चढ़ा के दो पूरी बना देना है और चावल बना के रख देंगे लगे हाथ,
तो आपने क्या क्या बनाया था दीपावली पे, आपने कैसे कैसे क्या क्या किया था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। मैंने कुछ इस तरीके से दीपावली सेलिब्रेट किया था और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दीपावली मेरा था। बस अभी तो सारी तैयारी हो रही है दीपावली ब्लॉग, देखो आ पाता है कि नहीं आ पाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो मुझे तो नहीं लगता आ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ बनाया ही नहीं था वीडियो वगैरह। और यहाँ पर सारा काम मैंने ख़त्म करा, खाना मेरा बन गया, दोनों सब्जी बन गई, चावल चढ़ा दिया है। अभी यहाँ पर सफाई की बारी है, क्योंकि किचन क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब किचन क्लीन रहता है ना तो मुझे टेंशन नहीं रहती यार, किचन में अगर कोई बर्तन नहीं रहता, किचन मेरा एकदम साफ रहता तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी रहती हूँ कि हाँ चलो कम से कम काम तो थोड़ा सा ख़त्म है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, किचन साफ़ रहता है तो हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं एक सुकून मिलता है यार कि चलो काम थोड़ा सा कम है। और सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है, मेरे यहाँ तो सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है। आप लोग बताइए आप लोग को कहाँ काम लगता है, रूम में किचन में, मतलब किस क्या काम आपको परेशानी होती है, क्या काम करने में। हमको तो किचन में बहुत दिक्कत होती है, खाना बनाने में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जितना क्लीन करने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है यार क्लीन करना। तो फटाफट यहाँ पर बहुत सारे बर्तन निकले थे, उनको मैंने धुला, उसके बाद किचन पोछना है, झाड़ू पोछा किचन में करना है, ताकि किचन का कोई काम एक भी काम एक्स्ट्रा मेरा रह ना जाए। सारा काम किचन का मैं ख़त्म करके फिर मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो बस आप सभी को फिर से हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स, आप सभी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, जो 4-5 लोग मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनका मैसेज आता है तहे दिल से उनका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहे, 2-4 लोग जो भी हैं ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मुझे पता है मेरी लाइफ एक दिन ज़रूर बदल जाएगी, और मेरी लाइफ मुझे सच में बदलनी है फ्रेंड। तो जो भी 2-4 लोग मुझे सपोर्ट करें आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा फ्रेंड्स। और मैं जानती हूँ जो 2-4 लोग मुझे देखते हैं वो प्रॉपर मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे उनको पता है, तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग कहते हैं कि व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, क्यों इतना मेहनत करती हो, तो कोई बात नहीं, 2-4 लोग के लिए ही मैं मेहनत करती हूँ और करती रहूँगी लाइफ टाइम तक, जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी ना तब तक मैं 2-4 लोगों के लिए ही मेहनत करती रहूँगी, और मुझे कोई दिक्कत नहीं। व्यूज़ आए तो भी दिक्कत नहीं, ना आए तो भी दिक्कत नहीं, मैं हमेशा मैं कभी भी छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं करती रहूँगी। जितने लोग मेरे पीछे पड़े पड़े रहो भाई, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली हूँ। क्योंकि दूसरे दिन की क्लिप जब मैं ये वाला ब्लॉग एडिटिंग कर रही थी फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इस बार दिवाली मेरी बहुत अच्छी नहीं गई है, हर बार की तरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, हर बार तो बहुत अच्छी रहती थी, बहुत ज़बरदस्ती का खिलाया जा रहा है, देख लो उनको, अरे यार क्या लगा रहे हो कुंज, तुम खा लो नहीं खाएंगे। इस बार मेरी दिवाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ये बोलने नहीं देगा फ्रेंड, थोड़ी देर में मिलते हैं।